जय जोहार, स्वागत है आपमन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज में। मैं हूं आपमन के संग प्रकाश। अब खबर छत्तीसा में आगु बढ़थन। 1 नवंबर यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस कई जन के जीवन में नवा सौगात लेके आईस। शिक्षा कर्मी मन के जीवन में भी 1 नवंबर एक नवा सवेरा लेके आईस। दरअसल 2 साल पूर्ण कर चुके जम्मू शिक्षा कर्मी मन के संविलियन विधानसभा में घोषणा के अनुरूप 1 जुलाई 2020 ले हो जाना रही से, फिर कोरोना के संक्रमण के चलते यह टल गई। फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन करे वादा के अनुरूप 1 नवंबर के राज्य स्थापना दिवस के अवसर में इला पूर्ण करे के निर्णय लिहिस। तो अब तक जिन शिक्षा कर्मी 31 अक्टूबर 2020 तक अशासकीय कर्मचारी कहलात रही हैं, तीन 1 नवंबर 2020 ले शासकीय कर्मचारी बन गई। यही बात लाली कि शिक्षा कर्मी मन में भारी खुशी देखे गई। राजधानी में संविलियन पूर्ण होए के खुशी मनाए के बाद अब न्यायधानी में घलो जश्न मनाए गई। सबो जन फटाका फोड़ के दिवाली तिहार जिसे इला मनाई। संविलियन अधिकार मंच के संयोजक विवेक दुबे है संविलियन पूर्ण हुए में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव सहित मीडिया के आभार व्यक्त करी। आज उपहार के रूप में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रूप में इमला शिक्षक मन ला संविलियन करके इमला बड़का उपहार दिसे। आवा हमन जानथन कि का खुशी है मन के, का हर्षोल्लास मना थे और मन बड़ा खुशी जाहिर करा थे। तो मन बात करबो कि का खुशी जाहिर करा थे और कैसे आप मन ला इतना बड़ा उपहार मिले, तो आप मन का कहे चाहते। देखा 2018 में जब संविलियन हो रही थे तो प्रदेश में 48,000 शिक्षा कर्मी ऐसे रही है जेमन बात गिरी। और पीछे की वजह ये रही थे कि वो समय 8 वर्ष के वर्ष बंधन लगा दी गई थी कि वही शिक्षा कर्मी के संविलियन हो जिन 8 वर्ष के सेवा पूर्ण कर चुके हैं। तो एकर खातिर हमन जिन वो समय तत्कालीन विपक्ष के पार्टी जिसे कांग्रेस होकर लंग मिले न घोषणा पत्र में मुद्दा शामिल करवाएं कि जे मन भी परीक्षा अवधि पूरा कर चुके हैं वो सबके संविलियन किए जाए। वो मुद्दा जन घोषणा पत्र में शामिल हो कांग्रेस की सरकार बनी और ओकर बाद से ही हम लगातार बात ला लेके प्रयासरत रहे कि ये वादा ला पूरा किए जाए। पाछू के बजट में हमारे नहीं हो पा रही थे लेकिन ए बार के बजट में हमारे वादा पूरा होगी। और अब 1 नवंबर ले यानी आज ले 16,278 शिक्षा कर्मी जन बांध के रहे जेकर सेवा 8 साल से कम रही थे उमन सब के एक साथ संविलियन हो गए। तो ये बहुत बड़े सौगात है क्योंकि हमन अशासकीय कर्मचारी सब शासकीय कर्मचारी हो गए हैं और जेन रेगुलर शिक्षक ला सब लाभ मिलते वो अब हमरो साथी में ला मिली जम्मो साथी में ला वो सुविधा मिले थे। तो आज हम उनका तहे दिल से आभारी हैं। समाज के हर वो तबका जिन हमारे साथ दी, मीडिया विशेष तौर पर जिन मीडिया के ग्रुप है वो हमारे खबर ला प्रसारित है, हमारे दुख दर ला प्रसारित है कि मतलब समय में वेतन नहीं मिला थे, अन्य सुविधा नहीं मिला थे, तो इसका संविलियन किया जाना चाहिए। तो ओकर परिणाम स्वरूप आज हुई से तो हम समाज के पूरा तबका ला धन्यवाद देते हुए कहा था कि हम अपन जिम्मेदारी ला और बेहतर तरीका से निभावो। बेहतर तरीका तो निभाते छन लेकिन सर्वोच्च देखे कोशिश करबो और हमारे जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता ला बढ़ाए के और उमा हमन दिन रात जुट के और बेहतरी करे के कोशिश करबो। तो आप मन देखा कि कैसे इमन खुशी जाहिर करें और न्यूज 36 लगातार ये मुद्दा ला चला तरीके और लगातार इमन के संविलियन पर सरकार तक आवाज पहुंचाई थे। तो इमन का संविलियन हुई से इमन धन्यवाद भी ज्ञापन करते थे, मीडिया कर्मी जो मन के धन्यवाद ज्ञापन करते थे। तो इमन देख सका था आप मन की कक्का खुशी इमन जाहिर करते थे और अतका खुश है कि इमन आज सरकारी कर्मचारी के रूप में आज अपन आप ला माने लग गए है। बिलासपुर ले न्यूज 36 विशांति वारी के साथ।